तो आपको लगता है कि यार हो सकता है ए आंसर हो, लेकिन आप उसको टिक तब करोगे जब आपका कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि हाँ यार मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको क्या लगेगा कि नो आई कैन नॉट बी राइट ऑन दैट एंड मे बी आई एम रॉन्ग। तो इससे होगा ये कि इससे डेविएट होकर आप ये आंसर टिक करोगे। और एमसीक्यू सॉल्व करने का मेरा अपना तरीका है, मैं स्कूल और कॉलेज टाइम में भी काफी क्विज कॉम्पिटिशन्स में एक्टिव था एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ क्विजिंग, आई वाज आल्सो अ क्विज मास्टर। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, चार ऑप्शन रहते हैं उसमें, तो जो उसमें ये होता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ते ही चारों ऑप्शन देखो फटाफट, मतलब ये नहीं कि पहला ऑप्शन देखा फिर दूसरा आराम से देखा, चारों ऑप्शन देखो और अपने माइंड को रीड करो, रीड योर माइंड दैट विच ऑप्शन इज फर्स्ट क्लिक इन योर माइंड। जो ऑप्शन सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होता है वही आंसर होता है, अगर उस चीज को पहले आपने कभी भी एक जगह कहीं पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा है तो योर माइंड विल नॉट आंसर, योर माइंड विल नॉट रिस्पॉन्ड दैट व्हाट इज द आंसर ऑफ एक्चुअल क्वेश्चन। बट आपने अगर उसको कहीं ना कहीं पढ़ा है, अगर आपने उसको एक बार भी कहीं कवर किया या फेस किया है, मे बी इन द क्लासरूम, मे बी वाइल रीडिंग द टेक्स्ट बुक और मे बी वाइल मेकिंग द नोट्स, अगर आपने एक बार भी कवर किया है तो योर माइंड विल रिस्पॉन्ड।